वालेकुम uh, आज हम सी 3.1 थ्री पॉइंट वन चैप्टर थ्री वेल्डिंग इम्परफेक्शन उसका जो पेज टेन है रूट कनकेविटी सक पैग पे स्टडी करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस में कॉज वेन यूजिंग टू हाई ए गैस बैकिंग प्रेशर इन परजिंग इट मे ऑल्सो बी प्रोड्यूस वेन वेल्डिंग विद टू लार्ज ए रूट गैप and depositing to thin a root bead or heart are too large a hard pass which may pull back the root bead through contractional stresses वो ये कह रहा है कि ये तब होता है जब हम स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो पाइप के अंदर पर्चिंग गैस दी जाती है रूट को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए अगर गैस पर्चिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो वो क्या करता है कि वो रूट बीड को अपनी तरफ पुल कर लेता है एक तो वो रूट बीड को अपनी तरफ पुल कर लेता है आर टू लार्ज हार्ड पास विच में पुल बैग द रूट बीड थ्रो कंट्रेक्शनल स्ट्रेसेस और इस वक्त रूट बीड पर जो सुकड़ने की स्ट्रेसेस पैदा हुई होती हैं और वो स्ट्रेस जो है रूट बीड को पीछे की तरफ खींच लेती हैं उसको पुल बैक कर लेती हैं तो ये जो उसकी जो शेप है रूट कनकेविटी की कुछ इस तरीके से अगर हम साइड से देखें तो इस तरीके से नज़र आ रहा है तो इसी तरीके से ये पाइप में शो हो रही है कि बिल्कुल इसकी जो कनकेविटी की शेप बनी हुई है नीचे की तरफ बैठा हुआ रूट तो वही है कि यहाँ परजिंग गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा था आ, या फिर अगर आ, रूट बीट बहुत थिन लगाई हुई थी उसके ऊपर हाट पास बहुत ज़्यादा थिकर वाला लगा दिया तो इस वजह से रूट कनकेविटी की शेप यहाँ पे बन जाती है नेक्स्ट है एक्सेस रूट पेनिट्रेशन। तो एक्सेस रूट पेनिट्रेशन मे बी काज बाय यूजिंग टू हाई वेल्डिंग करंट एंड आर स्लो ट्रेवल स्पीड ये इस वजह से भी होता है कि अगर वेल्डिंग करंट उसका जो है बहुत ज्यादा हो और ट्रेवल स्पीड बहुत कम हो ए लार्ज रूट गैप एंड आर स्मॉल रूट फेस और उसका जो रूट गैप हो बहुत ज़्यादा हो और रूट फेस बहुत कम तो यह चीज़ बर्न थ्रू होने की वजह बन सकती है आर ए लोकल क्लैप्स ऑफ द वेल्ड पुडल काजेंगी होल इन द वेल्ड रूट बीच तो यह लोकल क्लैप्स होता है तो हार्ड पास के दौरान करंट हाई हो स्लो ट्रेवल स्पीड हो और स्मॉल रूट फेस हो उनकी वजह से एक गड्ढा सा एक जो है वो पुडल बन जाता है रूट की साइड पे एक होल सा बन जाता है और पेनीटेशन इज ऑनली एक्सेस इट इज एक्सीड अलावेबल लिमिट एक्सेस पेनिट्रेशन उस वक्त ज्यादा होती है जब अप्लाइड एप्लीकेशन स्टैंडर्ड के मुताबिक जैसा लिखा गया है जैसा कहा गया है इससे ज्यादा हो तो इसे एक्सेस रूट पेनिट्रेशन कहते हैं एज ए लैड आउन इन द अप्लाइड एप्लीकेशन स्टैंडर्ड रूट ऑक्सीडेशन रूट ऑक्सीडेशन रूट uh, की ऑक्सीडेशन किस वजह से होती है रूट ऑक्सीडेशन में टेक प्लेस वेल्डिंग रिएक्टिव मेटल सच एज स्टेनलेस स्टील्स विद कंटोमिनेटेड आर इनकोड परजिंग गैस फ्लो रूट ऑक्सीडेशन स्टेनलेस स्टील पे होती है जो मेटल बहुत ज़्यादा एसिड या फिर सल्फर फासफोर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसटिव हों बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को ऐसे कंटोमिनेटर को बहुत ज़्यादा पिक करते हों जैसे स्टेनलेस स्टील है और इसके अलावा इसे अच्छे से क्लीन uh, ना किया गया हो जहाँ पे हम रूट लगा रहे हैं अंदर से इसको अच्छे से प्रॉपर से इसको क्लीन नहीं किया गया या फिर उसकी जो आर इन एडिक्वेट परजिंग गैस फ्लो उसका जो अगर परजिंग गैस फ्लो है वो करेक्ट नहीं है तो इस वजह से रूट ऑक्सीडेशन होती है इनकम्प्लीटली फ्यूज वेल्स इनकम्प्लीटली फ्यूज वेल्स इट इज ऑफन ए प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट फॉर द टैंक वेल्ट टू बी फीदर लाइटली ग्राउंड एंड ब्लेंडेड प्रियर टू वेल्डिंग टैक वेल्ड को फीदर करना इसको ग्राइंड करना एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है वेल्डिंग शुरू करने से पहले टैक वेल्ड को लाइटली ग्राउंड और या फिर इसको ब्लेंड करना होता है दिस रिक्वायरमेंट इज मेनलीपेंडिंग अबाउंट दिस रिक्वायरमेंट इज मेनली डिपेंडेड अपॉन द क्लास ऑफ वर्क और ये डिपेंड करता है कि जो काम हो रहा है इसका क्लास ऑफ वर्क क्या है इसकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या है जैसे कि अगर पेट्रोकेमिकल आयल रिफाइनरी या न्यूक्लियर रिएक्टर हैं तो इसकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई होगा फ्यूजर शुड अनेबल द टैक वेल टू बी मोर इजिली ब्लैंड एंड एनी फेलियर टू अचीव दिस इज करेक्टली मे रिजल्ट डिले डिग्री ऑफ लैक ऑफ रूट फ्यूजन पेनेटेशन अक्रंस इन द दैल रूट रन और अगर वेल्डर इसे फीडर करने या ब्लेंड करने में फ़ेल हो जाता है तो वहाँ तो वहाँ लैक ऑफ़ रूट फ्यूजन या फिर इनकम्प्लीट रूट पेनिटेशन होती है तो यहाँ पे इनको उन्होंने एक टैग लगवाया है डायरेक्ट रूट पे इन्होंने एक टैग लगवाया है और इसको अच्छे से ग्राइंड नहीं किया तो अनफिदर रूट टैग वेल्ड होने की वजह से यहाँ पे आप देखेंगे कि अजेसेंड वेल्ड एरिया शोइंग लैक ऑफ रूट फ्यूजन एंड अ रूट पैनिट्रेशन तो यहाँ पर बिल इसके जो टैक है इसके साथ ही जो दोनों किनारे हैं वो फ्यूज़ नहीं हुए वो इनकम्प्लीट रूट पैनीट्रेशन है तो अनफीदर रूट एग वेल्ड की वजह से जो इम्परफेक्शन आती हैं उसमें इनकम्प्लीट रूट पैनीट्रेशन है और लैक ऑफ अ रूट फ्यूजन तो इनको अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करना है इसको जो है ग्राइंड करना है इसको टैक वेल्डिंग को तो यहाँ पे हमारा जो है वेल्डिंग इम्परफेक्शन का जो पेज टेन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर अलेवन में और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज अलेवन में तब तक के लिए इजाजत